इस सत्र की अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत करने वाली तबस्सुम बेगम को बुलाना चाहता हूँ। तबस्सुम बेगम। धन्यवाद करण सर। सत्र के अध्यक्ष और सभा में स्थित विद्वानों और विदुषियों को मेरा नमस्कार। मैं तबस्सुम बेगम हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय की पीएचडी छात्रा हूँ। मुझे ये अवसर यहाँ मिला ये कटिविनी सर की बहुत बड़ी मेहरबानी है, उनका आशीर्वाद है। क्योंकि इसका दूसरा कारण भी है कि मेरा शोध विषय हिंदी और दक्षिणी हिंदी का भाषाई अध्ययन भी है। अतः मेरा शोध विषय अब अंतिम चरण पर है, जिसके बाद मैं कुछ निष्कर्षों पर पहुँची हूँ। ये निष्कर्ष मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो मैं आशा करती हूँ कि आपके सुझाव मुझे मिलेंगे। साहित्यिक भाषा के रूप में दक्षिणी का उपयोग 14वीं सदी से आरंभ होता है। जैसा कि ये विदित है कि दक्षिणी पर अनेक बोलियों एवं भाषाओं का प्रभाव पड़ा, जिनमें मराठी, गुजराती, ब्रज, अवधी, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी और फारसी प्रमुख हैं। चाहे उच्चारण हो या लेखन, इन बोलियों का स्पष्ट प्रभाव दक्षिणी पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि जब हम दक्षिणी की ध्वनियों के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने इस संदर्भ में कई मसाइल सामने आ खड़ी होती हैं। इतनी बोलियों, भाषाओं एवं उच्चारण लेखन में भिन्नता के बीच ये तय करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि किन ध्वनियों को दक्षिणी के अंतर्गत मान्यता दी जाए और किन्हें छोड़ दिया जाए। ऐसे ही कई प्रश्न मेरे सामने भी खड़े हो गए जब मैं शोध कार्य कर रही थी। तब मुझे डॉक्टर श्रीराम शर्मा, डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आदि कई विद्वानों की पुस्तकों से सहायता मिली और मैं इन निष्कर्षों पर पहुंची। मानक हिंदी में जहां स्वर 10 हैं, वहीं दक्षिणी में इन 10 स्वरों के अलावा अन्य बोलचाल के स्वर साहित्य में प्राप्त हैं। जैसे ई और उ की फुसफुसाहट ध्वनि दक्षिणी में मौजूद है और साथ ही ए और ओ जो कि ना स्वर, ये ए जो है वो है दीर्घ स्वर जो ऐ नहीं है, और ओ ये तेलुगु और कन्नड़ की भाषा में इस प्रकार का स्वर मिलता है जो कि दीर्घ ओ कहलाता है। ई और उ जो कि फुसफुसाहट ध्वनियां हैं, जिनके नीचे शून्य लगाकर उन्हें दर्शाया जा सकता है, जैसे कि श्रीराम शर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी दक्षिणी हिंदी का उद्भव विकास में चिन्हित किया है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने कैकू, खड़ेरी, नई शब्द दिए हैं। ए जो कि दीर्घ है, अर्ध संवृत अग्र स्वर है, लेकिन यहाँ पर दक्षिणी में हमें ह्रस्व स्वर मिलता है। द्रविड़ भाषाओं में ए के लिए पृथक चिन्ह नहीं है, इस भाषा में इसे ऐ के रूप स्वीकार किया गया है। ये संयुक्त स्वर ही उच्चारण की सुविधा के लिए ह्रस्व हो गया है। ह्रस्व ए और दीर्घ ए के कारण द्रविड़ भाषाओं में अर्धभेद होता है। दक्षिणी में इसे केत्ती यानी कितनी, यक्का यानी इक्का, बेजार आदि शब्दों में पाया जाता है। दक्षिणी में एकार के साथ यह श्रुति सुनाई देती है, जैसे कि एक को येक। तेलुगु में एक के पूर्व यह लिखने की परंपरा भी मिलती है। ओ ध्वनि के संबंध में डॉक्टर जोर का कहना है कि देर इज अनदर काइंड ऑफ ओ इन डायलेक्टेड फॉर्म्स विच इज नाइदर ओ नॉर यू बट हैज अ मिडल पोजिशन एंड मे बी रिटन लाइक ओ, जो कि ओ के ऊपर चंद्र बिंदु का मार्क है जिसमें बिंदु नहीं है। उदाहरण के रूप में उन्होंने पोट्टा, डब्बा शब्द दिए हैं। इस संदर्भ में श्रीराम शर्मा के अनुसार मुख्य रूप से दक्षिणी में प्रयुक्त ओ ध्वनि द्रविड़ शब्दों में ही मिलती है। साथ ही उनका मानना है कि दक्षिणी में ओ की स्थिति से दक्षिणी में हिंदी की ओ भिन्न नहीं है, दोनों में केवल उच्चारण काल का अंतर है। यहाँ ये जान लेना भी चाहिए कि हरियाणवी में इन ए और ओ की ह्रस्व और दीर्घ ध्वनियों का रूप मौजूद है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार ऐ संयुक्त स्वर हिंदी में ऐ के रूप में उच्चरित होता है, जीभ के दोनों पार्श्व तालु का किंचित स्पर्श करते हैं। साहित्यिक दक्षिणी हिंदी में यह स्वर मूल स्वर के रूप में प्रयुक्त है। ये प्रयोग प्रायः अरबी फारसी शब्दों के भाषाओं के शब्दों में पाया जाता है।
दक्षिणी में इसका उच्चारण ऐ के रूप में होता है, उदाहरण तई, ऐसा, ऐसा को ऐसा, हई मतलब हैं उच्चारित किया जाता है। अन्यत्र ये संयुक्त स्वर ही माना जा सकता है। द्रविड़ भाषाओं में ऐ लिपि चिन्ह ऐ ध्वनि का परिचायक है। इनमें इसमें हिंदी की तरह ऐ नहीं होता। दक्षिणी में औ तीन ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है, औ, औ और अवु। उदाहरण के लिए औधान में औ, दौड़ में दउ और कौली में अवु। इनमें अवु द्रविड़ भाषा का उच्चारण है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे संयुक्त दीर्घ स्वर मानकर इसका उच्चारण अओ निरूपित किया है, जबकि डॉक्टर जोर ने औ को स्वतंत्र मूल स्वर माना है और इसके उच्चारण के संबंध में जो लक्षण बताए हैं उसके बारे में डॉक्टर शर्मा का कहना है कि ये लक्षण संस्कृत औ के उच्चारण पर लागू होती है। संस्कृत में औ यानी अओ के संयोग से बना हुआ संयुक्त स्वर है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। दक्षिणी में हम देखें तो मोटे रूप से ये बात सामने आती है कि इसका उच्चारण संयुक्त है, जैसे सौ, तौर और। हिंदी की ओ ध्वनि दक्षिणी में ओ की तरह ही उच्चरित होती है। द्रविड़ भाषा के प्रभाव के कारण ये आदि में व की भांति भी उच्चरित की जाती है। तेलुगु भाषा भाषी व्यक्ति इसका उच्चारण वो करता है, जैसे वोड़नी, ओढ़नी की जगह वोड़नी। लेखन में भी कई स्थलों पर ओ से व लिखा जाता है। हिंदी में ग्रहित अंग्रेजी की ओ ग्रहित ध्वनि दक्षिणी में नहीं मिलती। हिंदी की तरह ही दक्षिणी का प्रत्येक मूल स्वर सानुनासिक भी है, जैसे अंधकार को अंधारा, अन्याय को धांधल, खींचना को ईंचना। इसके साथ संयुक्त स्वर का प्रथम अंश सानुनासिक ना होकर द्वितीय अंश सानुनासिक होता है, उदाहरण जातई। जहाँ तक व्यंजनों की बात है, दक्षिणी में व्यंजनों की स्थिति हिंदी के समान है। हिंदी बोलचाल के सभी व्यंजन भी दक्षिणी में मौजूद हैं। पढ़े लिखों की भाषा में अरबी फारसी के कुछ अक्षर आ गए हैं, जैसे ख, ख, ग, ज, फ। इनका प्रयोग अरबी फारसी तत्सम शब्दों में मिलता है, जैसे मगज, बेखबर, हक, नज़र, हाफिज आदि। दक्षिणी के व्यंजनों का उच्चारण हिंदी व्यंजनों से मिलता है, या यूं कह सकते हैं कि दोनों में उच्चारण प्रगति या उच्चारण स्थान एक ही है। दक्षिणी में टवर स्पर्श व्यंजनों का दो प्रकार का उच्चारण प्राप्त है, एक मूर्धन्य और दूसरा वर्ष्य तालव्य। हिंदी में टवर का केवल मूर्धन्य उच्चारण मिलता है। दक्षिणी में इस वर्तस्य तालव्य उच्चारण के बारे में डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि मूर्धन्य अक्षरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर उठकर पलटता है, फिर अग्र तालु का स्पर्श करता है। किंतु दक्षिणी में टवर का जो उच्चारण है उसमें जीभ का अग्रभाग तालु की ओर अग्रसर होकर नहीं मुड़ता। इस प्रकार का उच्चारण प्राय शब्द के आरंभ में सुनाई देता है। जीभ का अग्रभाग वर्तस्य और तालु की संधि का स्पर्श करता है, अतः इन ध्वनियों को वर्तस्य तालव्य कहा जा सकता है। वर्तस्य तालव्य ट ड का उच्चारण अंग्रेजी टी डी यानी ट ड के सामने रखता है। डॉक्टर शर्मा का ये मानना है कि दक्षिणी का मूर्धन्य टवर्ग भी हिंदी के अन्य बोलियों की अपेक्षा कोमल है। चवर के उच्चारण स्थल और वर्तस्य तालव्य टवर के उच्चारण स्थान में थोड़ा सा अंतर है, ये डॉक्टर शर्मा की मान्यता है। वे कहते हैं कि मूर्धन्य और वर्तस्य तालव्य टवर की पृथकता को सूचित करने के लिए उन्होंने वर्तस्य टवर्ग ध्वनियों के नीचे शून्य लगाकर उन्हें चिन्हित किया है, जैसे ट, ठ, ड, ढ के नीचे उन्होंने बिंदु लगाए हैं। हिंदी की मूर्धन्य श ध्वनि दक्षिणी में नहीं है। इसका एक कारण यह है कि दक्षिणी ने अपनी शब्दावली मुख्य रूप से मध्य भारतीय आर्य भाषा तथा आरंभिक नव्य भारतीय आर्य भाषा से प्राप्त की है, जिसमें मूर्धन्य श का अभाव है। दूसरा कारण यह है कि दक्षिणी का साहित्य फारसी लिपि में लिखा हुआ है। फारसी लिपि में मूर्धन्य श के लिए पृथक चिन्ह नहीं है। इसी कारण दक्षिणी में प्राप्त उदाहरण जैसे बरक, बरक मतलब वर्षा, भूकन यानी भूषण, मूस यानी मुश और पुहूब जैसे पुष्प,
शब्दों में मूर्धन्य श की जगह क स ह का प्रयोग दिखाई देता है। जो भी हो मूर्धन्य श युक्त उदाहरण प्राप्त हैं वे संस्कृत तत्सम शब्द ही हैं, जैसे निष्फलां। ये शब्द मुझे हिंदुस्तानी नाटक श्री पुरुषोत्तम कवि की हैं उसमें इस मूर्धन्य श को देखा जा सकता है, मैंने उदाहरण वहीं से लिया है। इस श का प्रयोग श्री पुरुषोत्तम कवि के हिंदुस्तानी नाटक नामक पुस्तक में काफ़ी संख्या में दिखाई पड़ता है। फारसी में अंगा निय अण के लिए चिन्ह नहीं है। इसका प्रभाव दक्षिणी में भी देखने को मिलता है, निय का दक्षिणी में प्रयोग ही नहीं है। अंगा का जो उदाहरण प्राप्त है जैसे वांग वांग धुर्य, ये हिंदुस्तानी नाटक से लिया है मैंने, उसे देखने पर कहा जा सकता है कि ये संस्कृत अनुनासिक संधि के पर्यवसान में ही मिलती है। ण के स्थान पर न का प्रयोग दक्षिणी में होता है। हिंदी भाषा के प्रभाव स्वरूप कुछ शब्दों जैसे कंठ कुंडला में ये ध्वनि दक्षिणी की रचनाओं में दिखती है, जबकि द्रविड़ भाषाओं में अंगा नियण और न के स्थान पर म का उच्चारण होता है। लेकिन साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र के लोग दक्षिणी बोलते समय ण का उच्चारण करते हैं। डॉक्टर जोर की पुस्तक हिंदुस्तानी फोनेटिक्स में भी ण की चर्चा नहीं है। डॉक्टर श्रीराम शर्मा कहते हैं कि विशेष रूप से ण के संबंध में निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि ब्रज की तरह दक्षिणी में ण का अभाव रहा है अथवा उसका उच्चारण किया जाता था। इस समय पवर्ग से संयुक्त होने वाले अनुनासिकों को छोड़कर शेष अनुनासिकों के स्थान पर न लिखा जाता है, और वैसे भी दक्षिणी की प्रवृत्ति अनुनासिकों के स्थान पर पूर्व स्वर को अनुस्वरित करने की ओर है। हिंदी की तरह दक्षिणी में भी न और म ध्वनियाँ स्वर रहित और स्वर सहित दोनों प्रकार से उच्चरित होती हैं। दक्षिणी में हमें अनुनासिकों का महाप्राण रूप प्राप्त होता है। मराठी के प्रभाव से ऐसा देखने को मिलता है कि न का न्य म म्य ल ल्य र र का रूप दक्षिणी में आ गया है। उदाहरण जैसे न्हनी यानी नन्ही, पिन्हाना यानी पहनाना, निहाटिया। उसी तरह म्य का उदाहरण ब्राह्मण जबकि है ब्राह्मण, म्याड़ी यानी अटारी, ल्य में ल्यहू ल्यहू मतलब रक्त, रिहा का मरहाठा यानी मराठा, रहस रहना रहना हाफ र यहाँ पर रेफ ह के ऊपर रेफ के रूप में ह के ऊपर आ जाता है। उदाहरण के लिए फूलबन से मैंने एक उदाहरण लिया है, नहीं तो मूंछ ले मुंह चुप रहना है रहना है। डॉक्टर जोर ने इन्हें स्वतंत्र स्वर नहीं माना, उनका कहना है कि इनके लिए कोई अलग चिन्ह नहीं है। ल्य के संबंध में कहते हैं, इट हैज़ नो सेपरेट सिंबल इन ऑर्थोग्राफी एंड इज जनरली प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फाइनल एल इज फॉलोड बाय अ सिलेबल बिगनिंग विद एन एच साउंड। यही बात वे अन्य र म्य न्य के बारे में भी कहते हैं। अरबी ध्वनि हमजा दक्षिणी में अरबी फारसी शब्दों में प्रयुक्त हुई है। हमजा की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, वह तीन शक्लों में आता है, अलीफ वाव और ए। हिंदी ए और ओ का स्पष्ट उच्चारण करने के लिए हमजा का प्रयोग दक्षिणी में किया जाता है। उदाहरण के लिए शब्द है सुनिए। फारसी लिपि में ए के साथ हमजा लगाने पर ही ए की मूल ध्वनि आती है। उसी तरह अस्मा शब्द में अंत में मीम के साथ अलीफ को रखने पर मा होता है, यदि अंतिम अलीफ के साथ हमजा लगाया जाए तो अस्मा बनता है, अन्यथा बिना हमजे के उसका उच्चारण अस्मा ही रहेगा। उर्दू में अलीफ व ए के साथ हमजा का इस्तेमाल होता है, उदाहरण बताओ सुनाओ खाओ। इन शब्दों में ओ ध्वनि के साथ हमजा का प्रयोग हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि उर्दू में हर स्वर के साथ हमजा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शब्दों में स्वर का सही उच्चारण हो सके। इसी का प्रभाव दक्षिणी में भी मौजूद है। ह के पहले हिंदी के शब्दों में जो अ होता है उसका उच्चारण दक्षिणी में पंजाबी की तरह अ रूप में होता है, जैसे टहलता ठहरता, पहला शहर की जगह टहलता
तैरता पहला शेर में ह ध्वनि गायब होकर अगले अक्षर में जा मिली है। कह धातु के रूप में ह का लोप ही हो गया है। उदाहरण कहिया को कया, कहता को कता। डॉक्टर शर्मा कहना है कि य के पूर्व हलंत ह कंठ ना रहकर औरस से हो जाती है, वायु झटके के साथ कंठ से बाहर निकलती है। इसी प्रकार न्य की जगह न और म्य की जगह म ध्वनियां भी मिलती हैं। यानी दक्षिणी में जहाँ न और ह का संयोग भी है वहाँ न्य की जगह सिर्फ न का भी प्रयोग मिलता है, जैसे पिनाना, जिसको दूसरा दक्षिणी भाषा भाषी पिनहाना भी बोलता है। दूसरा है पैनाना यानी पहनना, जिसका अर्थ है पहनना। कुम्हलाते। दक्षिणी की यह विशेषता रही है कि यदि पास पास के दो अक्षरों में दोनों दीर्घ स्वर हों तो पहले का उच्चारण कभी कभी हस हो जाता है। अदमी आसमान, सूंघना यानी सूंघना, सफई आदि। ये प्रवृत्ति पंजाबी में भी है। दक्षिणी में महाप्राण ध्वनियों का बहुधा प्रयोग अल्पप्राण में मिलता है। मुंज देख यानी मुझे देख, मूरख यानी मूर्ख, लाख को लाख, पिघले गुलाकर यानी घुलाकर, बिछड़ावे यानी बिछड़ावे, कुछ को कुछ, पूछ को पूछ, उठ को उठ, दूध बंधन सीधा, जीभ भ की जगह ब का प्रयोग, जीभ भी की जगह बी, कड़ाई बड़ाई सीढ़ी। दूसरी और अपेक्षता कम शब्दों में महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति भी विद्यमान है। लट्ठू, उल्ठे, पंखड़ियाँ, भोत, भार, धई, भैलाना, रहता आदि। उत्तर भारत की बोलचाल में जहाँ एक ही शब्द में दो मूर्धन्य ध्वनियाँ पास पास के अक्षरों में आती हैं, वहाँ दक्षिणी में पहली के स्थान पर दंत ध्वनि आ जाती है, जैसे तूटे तेड़िच, ठंडी दबटना, धूम रहते टुकड़ा, ठू डी। द्वित व्यंजन और उसके पहले प्राकृत का हस्व स्वर भी दक्षिणी में बहुधा शब्दों में मिलता है, जबकि स्टैंडर्ड खड़ी बोली में जहाँ शब्द के मध्य का दीर्घ व्यंजन हस्व हो जाता है और प्रतिकार में पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ। उदाहरण में हाथी को हत्ती, मीठा को मिठा, फीका को फिक्का, सूखा को सुक्का, ऊपर दुकान रुक्का। यह प्रवृत्ति पंजाबी में भी है, या यूं कह सकते हैं कि पंजाबी का प्रवाह दक्षिणी पर है। दक्षिणी में दीर्घ व्यंजन द्वित मिलता है, जैसे डल्ली गुलाब आदि। ये विशेषता उत्तर भारत की है जो दक्षिणी में भी मौजूद है। हिंदी नंद आधा न और द, आधा न और ध, नंद ध के स्थान पर दक्षिणी में न रह गया है, जैसे चांदनी को चांदनी, फूंदना को फन्ना, गूंधना को गुन्ना, बांधना को बांधना। उसी तरह गुम्बद को गुम्बज, कम्बल को कम्बल, संभालना को संभालना। दक्षिणी में ड की अपेक्षा ड का प्रयोग अधिक व्यापक है। उच्चारण की सुविधा के लिए ध्वनियों का स्थान विपर्य दक्षिणी की एक विशेषता है। अहदा को होदा, जानवर को जनावर, उंगल को उलंग, नन्हा को नहना, परेशान को पशेमान। दक्षिणी में क्षतिपूर्ति के रूप में पूर्व हस्वर का दीर्घीकरण प्रायः पाया जाता है, जैसे फुल फूल, मुख मुह मू, हस्ती हाथी। ये सब उदाहरण मुझे दक्षिणी के पुस्तक सबरस कुतुब मुश्तरी और मन समझावन से मिली हैं। हस्वीकरण एवं दीर्घीकरण की प्रवृत्ति दक्षिणी में बहुसंख्या में मिलती है। कह सकते हैं कि ये इस भाषा की पहचान है। आसमान का आसमान, चींटी चिमटी, चुन चून, अधिक अधिक। व्यंजनागम की प्रवृत्ति दक्षिणी में इस प्रकार है। अकेला यकेला, और होर, लोहार लहवार। इस तरह अन्य अनेक प्रवृत्तियां जैसे स्वर संधि, स्वरादेश, समीकरण, कंठीकरण, अघोषीकरण, सघोषीकरण, स्वर लोप, व्यंजन लोप, स्वरागम आदि दक्षिणी की जो ध्वनि दिशाएं हैं, तो उनको एक तरह कह सकते हैं
जो ध्वनि विशेषताओं को सूचित करती हैं। उपयुक्त विवेचन के आरंभ में उन्हीं स्वरों पर चर्चा की गई है, मैंने उन्हीं स्वरों की चर्चा की है जो हिंदी से परे है और जो दक्षिणी में जिनकी खास जगह है। अन्य दक्षिणी स्वर संध्या वही हैं, स्वर ध्वनियाँ वही हैं जो हिंदी में भी हैं, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। व्यंजनों के संबंध में भी यही बात है। समय की सीमा का उल्लंघन ना करते हुए मैं अपने पत्र को समाप्त करने से पहले यहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर तेजस्वी कट्टीमणि जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और ये मंच दिया कि मैं इतने बड़े विद्वानों और विदेशियों के सामने अपना ये प्रयास, छोटा सा प्रयास कर सकी, और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मानू के अन्य हिंदी विभाग के व्यक्तियों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे ये अवसर दिया। धन्यवाद। मैंने उस्मानिया विश्वविद्यालय में मैं करीब 15 साल विमेंस कॉलेज में मैंने काम किया है। वहाँ मेरे पूरे सहकर्मी सभी मुस्लिम महिलाएं थी। जकिया, प्रोफेसर जकिया मैडम, प्रोफेसर उनका नाम क्या, सईदा जाफर भी वहाँ थी, और बहुत सारे तमाम हिंदी विभाग को छोड़कर पूरे मुसलमान औरतें थी, और इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती थी और उतनी अच्छी दक्षिणी भी बोलती थी। कितना मधुर सुनने को मिलता था। जब से मैं हैदराबाद आर्ट्स कॉलेज आ गई वो सुनने को नहीं मिलता था। इतनी सुंदर बोली है, उसमें एक तरह की मिठास, एक तरह की एक खुलूसियत, एक तरह की एक अपनापन की भावना, ये सब उस भाषा में अपने आप जो है जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है उनकी पूरी जो संवाद है वो संवाद मुझे अभी याद आते हैं। उससे बड़ी बात यह कि मैं प्रोफेसर श्रीराम शर्मा जी की सीधी छात्रा रही। उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 10-15 साल की साधना के बाद दक्षिणी हिंदी साहित्य किताब भी छपाई, जिसका जिक्र कल होगा शायद, क्योंकि आज भाषा के संदर्भ में है, इसलिए दक्षिणी हिंदी साहित्य उन्होंने कहा। जैसे कि कोई अच्छा है तो अभी साहब बोल रहे थे, डायरेक्टर साहब, हम अपना लेंगे, हमारा है बोलेंगे, सब बोलेंगे कि हमारा है। ऐसे उन्होंने शायद ये सोचा कि हिंदी का जहाँ ज़्यादा प्रभाव है उस साहित्य को उन्होंने लिया है। हिंदी में जो लिखित जो ग्रंथस्थ है वो भी लिए, और फारसी लिपि में भी जो हिंदी में लिखे गए, हिंदी भाषा की ज़्यादा जहाँ छाप है उन पुस्तकों को भी उन्होंने लिया है। तो इस तरह उन्होंने बहुत बड़ा भव्य ग्रंथ, मैं बड़े लोगों को तो मालूम है, मैं छात्रों के लिए मैं यहाँ आई हूँ, ये दक्षिणी हिंदी साहित्य भी आपको पढ़ना चाहिए, भाषा तो है ही। उसमें उन्होंने जो जब मैंने पढ़ा है, फिर मुझे लगा कि दक्षिणी हिंदी साहित्य के बारे में, दक्षिणी भाषा, दक्षिणी के बारे में सेमिनार में जा रही हूँ, फिर से एक बार देखूँ मैं। तब तो मैंने पूरा पढ़ा है, उन्होंने स्वयं मुझे दिया था वो किताब, मेरे पास सुरक्षित है। फिर एक बार देखा तो साहित्य तो छोड़िए, कल चिंता करेंगे उसकी, भाषा के बारे में उन्होंने कुछ उद्धरण दिए हैं, शायद किसी ने नहीं कहा यहाँ, इसलिए मेरा लोभ है कि मेरे गुरु के जो काम है उसको थोड़ा आगे करूं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाषा के बारे में मेरा जी शमशुल उशाक 1497 में उन्होंने कहा है, अरबी बोल के रे और फारसी भोते रे, ये हिंदी बोलूं सब उस अर्थों के सबब, ये भाका भलसो बोले पन उसका भावत खोले, ये गुरुमुख पंद पाया तो ऐसे बोल चलाया, पंद माने उपदेश। तो तब उशाक के समय में इसको हिंदी या भाका के रूप में ही इसका प्रचलन था। उसके बाद बहरी उनका समय 1700 के करीब, उनकी रचना में उन्होंने लिखा है, हिंदी तो जवांच है हमारी, हिंदी तो जवांच हमारी कहने न लगी हमन को भारी। उसके बाद यहाँ भी हिंदी ही कहा है,
उसके बाद वजही ने कहा है, दक्कन में जो दक्षिणी मिठी बात का अदा नहीं किया कोई उस धात का। यहाँ से श्री राम शर्मा जी का कथन है कि यहाँ से दक्षिणी का जो प्रयोग है ज़्यादा लोगों में जाने लगी है। उसके बाद हाशमी ने यूसुफ जुलेखा में लिखा है, तेरे शेर का जग में दक्षिणी है नाव, नक्को भोत कर दूसरी बोली मिलाऊं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दक्षिणी साहित्य में लिखा है, हिंदी साहित्य में अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की चंद्रमली पांडे जी ने उसका संपादन किया है, उसमें उन्होंने कुछ उद्धरण दिया है, वो इस प्रकार है। आगे चलकर हिंदी जो दक्षिणी उर्दू हिंदी थोड़ा अलग अलग होने लगे, तब उसके बारे में उन्होंने कहा ये लोग हिंदी और दक्षिणी का अंतर जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा ना कुछ अरबी इल्म पछाना, नहीं फारसी कुछ जाना, ना कुछ दक्षिणी बोली आई, ना कुछ विद्या हिंदी पाई। तो इन तीनों चारों को उन्होंने अलग किया है, इसमें यूसुफ जुलेखा में इस प्रकार चंद्रमणि पांडे जी ने कहा है, मेरी स्थिति है कि मैं हिंदी ही नहीं जानती हूँ, दक्षिणी कहाँ से जानती हूँ, मैं तो तेलुगु भाषी हूँ, इसलिए हिंदी सीखते सीखते ज़िंदगी बीत गई है, दक्षिणी मुझे बहुत अफसोस रहता था हमेशा कि मैं उर्दू की स्क्रिप्ट नहीं सीख सकी, अगर सीख सकती तो दक्षिणी कुछ पढ़ सकती थी, उसका दुख बराबर बना रहा अभी भी, अब ये उम्र नहीं है कुछ सीखने की, जो सीखे हुए याद रखे तो बड़ी बात है। ये जो अवसर मुझे दिया गया है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पुनः। और एक बात है, जोर साहब का नाम इस लड़की ने लिया है, जोर साहब को हम जानते हैं, जोर साहब और श्री राम शर्मा जी ने पहली बार दक्षिणी साहित्य के लिए दक्षिणी भाषा के लिए जो काम किया है वो प्रातस्मरणीय है, और उनका नाम लिए बगैर दक्षिणी भाषा या साहित्य के बारे में कुछ बोलना, जैसे कि उनके बारे में मैंने जैसे कि अल्लाह का नाम लिए बगैर कोई काम शुरू करना है, बहुत मैं श्री राम शर्मा जी की छात्रा होने पर गर्व करते हुए मैं धन्यवाद देती हूँ ये समय देने के लिए, अध्यक्ष साहब को धन्यवाद।